अरे गाइस, आज की ब्लॉग स्टार्टिंग मैं कर रही हूँ 8:30 बजे से। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल मस्त हैं और स्वस्थ हैं। इस आज हो गई है 25 तारीख और आज से दीपावली के हैं 6-7 दिन और अभी सारा घर का सारा काम करके अब मैं आई हूँ कमरे में और मैं करती हूँ आज से सफाई। अब मैं सोच रही हूँ आज से धीरे धीरे 4-5 दिन में कर ही लूँगी पूरे घर की सफाई। तो सबसे पहले मैं करूँगी घर की सफाई, लास्ट में दूंगी बिस्तर पर्दे वर्दे। तो अब मैं आज अभी मैंने आधा सामान तो मैंने निकाल लिया है, फूल मैंने सारे जितने भी रूमों में थे वो सारे मैंने निकाल के यहाँ पर रख दिए हैं। इनको सबसे पहले मैं इनको भिगाऊंगी, भिगाने को रख दूंगी, उल्टे करके भिगाऊंगी ऐसे पानी में, ऐसे इनके भिगा दूंगी। फिर एक एक फूल करके मैं साफ करूंगी और फिर करूंगी सारे स्लिप, ये सामान नीचे रखूंगी, फिर उसके बाद स्लिप पेपर गए जरा। अब आज से स्टार्ट सफाई पहले करूँगी पूरे नीचे रूमों की, फिर करूँगी अपने ऊपर, फिर मंदिर वाला कमरा, फिर लास्ट में करूँगी गाइज मैं किचन सबसे लास्ट में होगा मेरा। धीरे धीरे लगी हूँ अकेले ही। सफाई लो हम रे 11:30 और हम खाई गया। अब तीन कमरा सफाई करे मैं आज नहान नहल देखे। आज मैं पूछा जा लगूँ तो आज मैं 1 घंटा थोड़ा रेस्ट करूँ, फिर वो बाद पहला उठूँ काम वाम कर झाड़ू पोछा करके पूछा उछा लगूँ वो बाद फिर नाल और दे दूर मैल गुलदस्ता उलदस्ता सब दूर सब मैल सूख गया सब लगा लेना। अब पोछा ओछा लगूँ छू अल्लाह आज हमार दरवाजे लगन वाले उन वाले छू तो माया तक मैं अभी पोछा मत लगाना अभी और वैसा भी लगा तो तब मैं पोछा ना लगूँगी तो वो पड़ जा वो बाप भी अल्लाह लगूँ लग पोछा तो कपड़ा पड़ धोने वाले पर्दा हरदा बिस्तर और पर्दा हरदा धोने वाले काम में लास्ट दिना का जब मैं मल कमरन के लिए हो जाए मेरे सब सफाई मंदिर कमरा के लिए हो जाए वो बाद लास्ट में मैं मली पर्दा ला तली पर्दा ला और जदू बिस्तर जदू ले बिस्तर जो सब कमरन को मैं एक दिन में धो लास्ट में पहले सफाई हो जाए तो सपना लास्ट में होने में किचन है सफाई। 5 और
जलन हो रही है मेरा और कद्दू खा कट रहा है। आज आ बन रहा कद्दू और दिखा दिखा मैं कद्दू मैं धुल रही हूँ भाड़ा धुल रही हूँ और कपाड़ डाल रहा दुनिया भरी वाशिंग मशीन में सोफा कवर चादर सब चीज़ धोने लग गई मैं चैन ना होना जब तक सफाई खत्म ना हो भी मैं चैन ना सब चादर आदर सोफा कवर पायदान सब चीज़ मैं बिहार के दौरान धुलना पा और सब बिस्तर में मैं नई चादर भी सुन छू तल तल मल ना खाली तली का हो गया है इतना चलो तो हो गया है सारा काम पंखा चला देती हूँ क्योंकि मच्छर लग रहे धुआं तो मैंने लगाया क्योंकि मच्छर लग रहे और गाइस इतने सारे कपड़े पानी से धोने हैं और वाशिंग मशीन में मैंने डाले हैं कपड़े दमादम धुलती हूँ कपड़े जाऊंगी ऊपर के रूमों की सफाई करने में तो इसलिए मैं सुबह का काम अभी कर दे रही हूँ वरना अभी नहीं धुलती है कपड़े तो मुझे सुबह धुलने पड़ते तो इसलिए मैं अभी धुल दे रही हूँ इनको और सुबह जल्दी जल्दी सारा काम आम करके फिर करूँगी ऊपर के सारे रूमों की कल सफाई हमारी सीन भी आ चुकी है। हम बार बार जाले निकालने होते हैं या पराल का वो बनाते हैं पराल का टुकड़ा बनाते हैं तो हमें पड़ोस से मांगनी पड़ती है बार बार सीढ़ी तो फिर मैंने पति देव से बोला लोहे की सीढ़ी बनवा दो तो आज हमारी लोहे की सीढ़ी आदमी का बन के अब बढ़िया हो गया ना मांगने बार बार नहीं जाना पड़ेगा किसी के घर में भी ये जाले आले ऊपर के मैं फिर झाड़ू से नहीं पहुँच पाती तो हमें मांगनी पड़ती है सीढ़ी आज आ गए लोहे की सीढ़ी मम्मी लेकिन ये मैं अमन तल में कपड़ा लगूँ बड़ा लगते कि खिसका ली ना और आज मैंने आटा गूंथ दिया है और पोछे की बाल्टी रखी है अभी मुझे पोछा भी लगाना है काम इतना काम और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ हमारा नीचे बाथरूम नहीं था तो इसलिए अंदर रात को मम्मी लोग सब लोग बाहर जाना पड़ता है बार बार रात के 12-1 बजे तो अब हमने अंदर ही बना दिया है ये रूम हमारा खाली पड़ा था तो इसी रूम में हमने साइड में बना दिया है अभी लाइट ऐड नहीं लगी है तो ये रहा इतना बड़ा बन गया हमारा यही तो इसी के लिए हमारे लेवल लगे थे और इसमें लगा रही है इस कलर की टाइल ब्लैक और वाइट मस्त लग रही है अभी बाद में लाइट लगेगी तो फिर दिखाऊंगी मैं आप लोगों को ये अंदर भी होना चाहिए रात को बाहर ना जाना पड़े इसलिए हमने यहाँ बना दिया है ये वाला आया था तो उस वजह से मेरा दिन में पोछा नहीं लग पाया तो अभी बाहर का काम करते करते बहुत टाइम हो गया अब मैं जल्दी से कपड़े तो मेरे धुल गए हैं अब मैं जल्दी से पोछा लगाती हूँ फिर रोटी बना फिर नहाऊंगी फिर पकाऊंगी रोटी अभी तो टाइम है अभी कौन सा हम लोग खाना खाते हैं वही 8-8:30 बजे तक खाते हैं और बच्चा पार्टी मेरे इतना अंधेरा हो गया है अब तक ट्यूशन से नहीं आए गाइस ये ट्यूशन से आते ही बैग भी नहीं खोला है
सांप वाली गोलियां जलाने लग गया और इससे जल नहीं रही है, देखो कितनी सारी मार्चेस कर दी है इसने और अब जाके जली। पासा, पासा ना। ये देखो गाइस सांप जैसा बन गया। सांप मार दिया। करने के लिए खुद भी जलाने लग गई है और इसे जलता जलता तो है नहीं कुछ, खाली यहाँ पर आ जाती है। ये देखो गाइस हाथ रख दे रही है। ये देखो ये भाग गई। अरे ये तो पतला सांप आया है तेरा। अरे ये बेकार है तो। ये देखिए देखिए बच्चों की हो रही है अभी पढ़ाई, क्या क्या कर रहा गलत? आगे पीछे होगा सब, इतनी बड़ी मुश्किल से निकला था। क्या हुआ आगे पीछे ढंग से नहीं देख के नहीं कर सकता था? फिर कैसे हो गया? अब फिर चिपकाएगा? अब वापस लिखना, कितना लिखना पड़ेगा? इतना लिखा था, एक ही लिख दिया। रफ मोरा काम, फेयर मोरा। क्या है? इरेजर। हाँ। वही जो मिठाते हैं से। मिठाने वाला है ये? इतना बड़ा? हाँ। कितने का मिला फिर ये? 10 बाबा इतना बड़ा। गाइस मैंने तो ये जिंदगी में पहली बार देखा। अंदर तो प्लास्टिक है फिर ये? ये प्लास्टिक है और ये वाला है ना वो? टायर। गजब यार। गाइस मेरी मेहंदी पूरी मिट गई है। जब नहा के रोटी पका के और आज बना है चिकन और आइस और उसके बुम्बू खाने लग गए हैं। चिकन लेग पीस बोल रहा है इस रोटी मन तो खा ले बाबू, फिर करना काम। एक मेरी चेली का होने वाला है बुल्ले, ठंडा हो जाएगा फिर। और आइस की लेग पीस देखो यहाँ पे, कितने बड़े लेग पीस खाते हैं आयुष गाइस देखो। लेग पीस आयुष और आयुष के पापा खाते हैं हमारे घर में और किसी को नहीं मिलता है ना। मंतु तो खाती ही नहीं है। मंतु के लिए भी आया छोटा सा लॉलीपॉप लेग पीस, मंतु खाना नहीं। चलो आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, कल मिलेंगे हम आपको न्यू ब्लॉग के साथ। बाय बाय, गुड नाइट।